सीधा मैं कहूँगा सत्य वचन की घड़ी में मेरी तरफ से ना है। क्या आप जानते हैं जुबिन नौटियाल को एक समय पर सोनू निगम ने रिजेक्ट कर दिया था। सुनने में अजीब लगता है लेकिन ये सच है। जी हाँ, वही जुबिन जिनकी आवाज आज हर दिल पर राज करती है। अब सोचिए, जब इतनी बड़ी हस्ती को रिजेक्ट कर दिया गया था तो उनकी जिंदगी में क्या क्या मोड़ आए होंगे। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि जुबिन को सोनू निगम ने आखिर क्यों रिजेक्ट किया और उस रिजेक्शन का जुबिन ने कैसे सामना किया। आज की इस वीडियो में हम जुबिन नौटियाल के उस मोड़ की बात करेंगे जिसने उन्हें और भी बेहतर बनाया। ये कहानी आपको एक नई इंस्पिरेशन देगी, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साल था 2011, जब भारत में एक्स फैक्टर का शो हर किसी की जुबान पर था। लाखों सपने लिए सिंगर्स ऑडिशन दे रहे थे, उनमें से एक थे हमारे जुबिन नौटियाल। उन्होंने अपना दिल लगाकर गाया तुझे भुला दिया, और उनके सामने जज थे सोनू निगम, श्रेया घोषाल और संजय लीला भंसाली। अब सोचिए, इतने बड़े नाम और जुबिन का एक छोटा सा सपना मशहूर सिंगर बनने का। श्रेया घोषाल ने उनकी आवाज की तारीफ तो की लेकिन साथ ही कहा, तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हारी आवाज में कुछ कमी सी लग रही है। वही संजय लीला भंसाली ने भी जुबिन के टैलेंट की तारीफ की लेकिन उन्होंने भी कहा, कुछ तो है पर वो एक्स फैक्टर नहीं दिख रहा। लेकिन असली झटका तब आया जब सोनू निगम ने उन्हें देखा और उनकी परफॉर्मेंस पर गहरी बात की। सीधा मैं कहूँगा सत्य वचन की घड़ी में मेरी तरफ से ना है। सोचिए उस वक्त जुबिन पर क्या बीती होगी। लेकिन दोस्त, यही तो असली कहानी है। इस रिजेक्शन ने जुबिन को तोड़ने की बजाय और मजबूत बना दिया। उन्होंने हार नहीं मानी बल्कि और मेहनत की, छोटे म्यूजिक शोज की, अपनी आवाज को निखारा और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की ठानी। आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट्स में अपनी राय बताइए। और अगर आप भी कभी हार मानने वाले हैं तो जुबिन की यह कहानी आपके लिए है। तो चलिए अब आगे की बात करें। इस रिजेक्शन के बाद जुबिन ने कैसे खुद को संभाला और कैसे बने आज के दौर के सबसे प्यारे सिंगर, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। सोनू निगम का रिजेक्शन जुबिन के लिए एक बड़ा झटका था लेकिन इस झटके ने उन्हें जमीन से जोड़ दिया। वो जानते थे कि अगर उन्हें सफल होना है तो इस रिजेक्शन को एक सीख के रूप में लेना होगा, ना कि हार के रूप में। जुबिन ने अपने शहर देहरादून वापस लौटकर अपनी गायकी पर और भी ज्यादा मेहनत करना शुरू किया। उन्होंने रोजाना घंटों रियाज करना शुरू किया, अपनी गायकी में सुधार करने के लिए नए तरीकों को अपनाया और संगीत को अपनी आत्मा से जोड़ लिया। जुबिन का यह कहना था कि संगीत सिर्फ एक पेशा नहीं है, ये मेरे लिए साधना है। जुबिन का यह समर्पण और जुनून धीरे धीरे रंग लाने लगा। उन्होंने छोटे मोटे मंचों पर अपनी प्रस्तुति दी, विभिन्न संगीत शोज में भाग लिया और अपने अनुभव से सीखा। जुबिन ने महसूस किया कि असली संघर्ष सिर्फ रिजेक्शन से नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने से होता है। और फिर वो दिन भी आया। कई सालों की मेहनत के बाद जुबिन को उनकी पहली बड़ी ब्रेक मिली। साल 2014 में एक मुलाकात गाना रिलीज हुआ। एक मुलाकात हो, तू मेरे पास हो, जीने की वजह तुम बनो बन के तू रह, बल मुझको मिला है तू, मिल गया मैं मुकम्मल हुआ। और उस गाने के बाद जुबिन की आवाज को हर कोई पहचानने लगा। उस मधुर आवाज ने सीधे लोगों के दिलों को छू लिया और फिर उसके बाद तो जैसे जुबिन की आवाज हर जगह गूंजने लगी। तुम ही आना, हम्मा हम्मा और लुट गए जैसे सुपरहिट गानों से उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बना ली। जुबिन ने अपने करियर में कई डिवोशनल गाने और भजन गाए हैं जो न केवल लोगों के दिलों में बस गए बल्कि उनकी आत्मा को भी छू गए। इन भक्ति गीतों ने उनकी पहचान को और मजबूत किया। और यह कहना गलत नहीं होगा कि जुबिन की इस यात्रा में उनकी सफलता का एक बड़ा हिस्सा इन गानों का भी है। जुबिन के गाए हर एक गाने और भजन को दर्शकों से अपार प्रेम और सराहना मिली है। उनकी आवाज में एक अद्भुत जादू है जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। जुबिन का भक्ति संगीत न केवल धार्मिक भावनाओं को जगाता है
बल्कि यह सुनने वालों को एक गहरी मानसिक शांति और सुकून भी प्रदान करता है। एक विशेष क्षण के तौर पर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जुबिन के एक भजन को अपने एक्स अकाउंट के माध्यम से शेयर किया। यह न केवल जुबिन के लिए गर्व का पल था, बल्कि यह उनके संगीत के प्रति लोगों की गहरी भावनाओं को भी दर्शाता है। जब एक ऐसा व्यक्ति जो देश के सबसे बड़े पद पर है किसी कलाकार के काम को सराहता है, तो यह उस कलाकार की मेहनत और प्रतिभा को और भी अधिक मान्यता देता है। जुबिन के भक्ति गीतों ने समाज में एक सकारात्मक संदेश फैलाने का काम किया है। उनकी रचनाएं विभिन्न त्योहारों और धार्मिक आयोजनों में एक अभिन्न हिस्सा बन गई हैं, चाहे वह भगवान शिव का भजन हो, मेरे बाबा भोले बाबा, कोई कहे तू काशी में है, कोई कहे कैलाश, जब जब तुझे पुकारा बाबा तू था मेरे पास, तेरे बल से मैं बलवान बाबा, तू मेरा भगवान, तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण, मेरे बाबा मेरे बाबा भोले बाबा। या देवी दुर्गा की आरती, तेरी लगन में मगन में नाचूं, गाऊं तेरा जगराता, मैं बालक तू माता, शेरा वालिये है टूटिए नाता, शेरा वालिये मैं बालक तू माता, शेरा वालिये है टूटिए नाता, शेरा वालिये चरणों में झुके, बादल ही तेरे पर्वत पे लगे, शैया तेरी है, काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जुबिन का संगीत हर अवसर को और भी खास बना देता है। इसके अलावा जुबिन ने अपने फैंस के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए अक्सर यह कहा है कि भक्ति संगीत ने उन्हें एक नई ऊर्जा दी है। उनकी प्रेरणादायक यात्रा न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज में भी एक बदलाव लाने का माध्यम बनी है। आज जुबिन का नाम भक्ति संगीत के क्षेत्र में एक मील का पत्थर बन चुका है और उनके गाने लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। जुबिन ने अपने करियर में केवल भक्ति गीतों तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने रोमांटिक गानों में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। उनके गाए तुम ही आना जैसे गाने युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हुए हैं। जुबिन की गायकी में भावनाओं की गहराई है जो सुनने वालों को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। उनकी संगीत यात्रा में कई अनमोल सहयोग भी शामिल रहे हैं। जुबिन ने मशहूर संगीतकारों और गीतकारों के साथ काम किया है जिससे उनके गाने और भी समृद्ध और विविधता भरे हो गए हैं। उनके संगीत में हर मूड और भावना को व्यक्त करने की क्षमता है, चाहे वह प्यार का जज्बा हो या दिल टूटने का दर्द। जुबिन की सफलता का एक और बड़ा कारण उनका लगातार मेहनत करना और अपने श्रोताओं से जुड़ना है। सोशल मीडिया पर उनके फैंस के साथ नियमित बातचीत और लाइव परफॉर्मेंस ने उन्हें और अधिक प्रिय बना दिया है। जुबिन का एक सपना है कि वे अपने गाने हर किसी के दिल में एक खास जगह बनाएं और वे इसमें सफल भी हो रहे हैं। अंत में जुबिन की यात्रा हमें यह सिखाती है कि मेहनत, लगन और सच्चे प्रेम से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। उनका संगीत न केवल सुनने के लिए है बल्कि यह एक अनुभव है, एक यात्रा है जो हमें अपनी भावनाओं से जुड़ने और जीवन के विभिन्न रंगों को समझने का अवसर देती है। लेकिन दोस्तों, ये सफलता सिर्फ जुबिन की नहीं है, ये सफलता उन सभी की है जिन्होंने कभी रिजेक्शन का सामना किया है लेकिन हार मानने की बजाय उसे चुनौती के रूप में लिया। जुबिन की ये कहानी हम सभी को सिखाती है कि असली जीत उन्हीं की होती है जो गिरकर फिर से उठते हैं और अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, ये थी जुबिन नौटियाल की प्रेरणादायक कहानी। क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी बड़े रिजेक्शन का सामना किया है? अगर हाँ,
तो यकीन मानिए जुबिन की तरह आप भी उसे अपनी ताकत बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको जुबिन की ये कहानी कैसी लगी और जुबिन का कौन सा सॉन्ग आपका फेवरेट है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।